नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अलग चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो है एक स्मार्ट रोबोटिक क्लीनर। तो दोस्तों जी हाँ, ये है उसका रिटेल पैकेजिंग। और जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा पैकेजिंग आया है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कॉम्पैक्ट ही आएगा, और बहुत ही चीप प्राइस में मैंने इसे बाय किया है। तो दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे ओपन अप करके चेक करने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये है स्मार्ट रोबोटिक क्लीनर, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लीनिंग रोबोट, और यहाँ पे लिखा है डस्ट सक्शन टाइप, और यहाँ पे आपको वो एक्चुअल क्लीनिंग बोट का इमेज दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि ये नॉइज़ नहीं करता, ये शायद इसमें कुछ सेंसर्स है जिसके तहत ये क्विक मूवमेंट करता है। गाइज ये नीचे सब चाइनीज़ में लिखा है, उसके लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। इसके अंदर आपको 1200 mAh की दो बैटरीज मिलेंगी, और ये प्रॉपरली सक करके सब अंदर खींच लेता है, शायद ऐसे ही कुछ है। बॉक्स के साइड में आपको देखने मिलेगी उसकी ब्रांडिंग और एक कलर जो है वाइट कलर, और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में ही लिखा है, और ये साइड में भी एक ब्रांडिंग है। बॉक्स के पीछे की तरफ आपको कई सारी चीज़ें, जैसे कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके ऑपरेशन करने के टाइप्स वगैरह दिखाई देते हैं, बट ये कम्प्लीट चाइनीज़ में है, इसे पढ़ नहीं सकता। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं कि कैसे इसे पावर ऑन करें, कैसे इसे चार्ज करें, कैसे इसका जो क्लीनिंग बोर्ड है वो क्लीन करें, और कैसे इसमें आप पता नहीं कई सारी चीज़ें हैं, चार्जिंग वगैरह हम बाद में देखते हैं, इसे ओपन अप करते हैं पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो चलिए इसे ओपन अप करते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन अप करते हैं, पहले हमें देखने मिलता है इसका चार्जिंग केबल। तो ये है USB से लेके जो अपना ट्रेडिशनल नोकिया टाइप के केबल्स आते हैं चार्जिंग केबल, वैसा ये केबल है। तो इसे हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा मेन पॉट जो है क्लीनिंग रोबोट। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ये दिख रहा है, क्लीनिंग बोर्ड जैसे इमेज पे था वैसे ही दिख रहा है, और काफ़ी लाइट वेट है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ये लाइट वेट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लीनिंग बोर्ड, और यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पे DC 5 वोल्ट्स का जो इनलेट है, जो है आपका चार्जिंग पोर्ट, इसके अंदर चला जाएगा और आप इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक शायद LED इंडिकेटर मिलेगी, और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको वेंट मिलेगा, मतलब जो सक्शन होगा तो यहाँ से एयर पीछे से पास होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेंगे कुछ व्हील्स इसके, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सक्शन इनलेट जिसके तहत ये अंदर सक होगा, और यहाँ पे आपको मिलते हैं एक वॉच, पता नहीं, अरे ये तो घूम रहा है, बट पता नहीं ये क्या है, शायद हाँ इसे हमें ओपन अप करना है शायद। ओके, तो ये है उसकी व्हील जिसके तहत ये आप घर में इजीली कहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। और साइड में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको साइड में कोई भी सेंसर्स वगैरह नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये बहुत ही चीप क्लीनिंग रोबोट है। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक ओपनिंग, यहाँ से आपको इसे ओपन अप करना है, और जैसे आप इसे ओपन अप करते हो यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक दो कंपार्टमेंट, डोंट नो किस चीज़ के लिए कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स जिसके अंदर आपका शायद जो पूरा डस्ट है यहाँ से नीचे से जो सक होके यहाँ पे आता है, तो इसके अंदर पूरा ये डस्ट जमा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है उसका फ़िल्टर, तो फ़िल्टर से आपका जो पूरा क्लीनिंग है हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी डस्ट पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, और फिर आप इसे ईजिली क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पर जो इनलेट है, तो यहाँ से ये जो सक्शन है वो कम्प्लीट होगा, तो यहाँ से ये कम्प्लीटली सक करेगा और यहाँ से एयर फ्लो चालू रहेगा, तो इसके अंदर पूरी डस्ट ये जमा करेगा। तो इसे भी हम रखते हैं और वापस हम इसे क्लोज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर है 1200 mAh की दो बैटरी, तो हम देखते हैं इसे पावर ऑन करके। ओके, तो ये पावर ऑन हो चुका है, और गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ से साउंड आ रहा है, ये साइड से कम्प्लीटली एयर जो है बाहर आ रही है, और यहाँ से ये सक हो रही है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं उंगली यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सक हो रही है यहाँ से एयर, और यहाँ से ये बाहर आ रही है। तो अभी हम इसे पावर ऑफ करते हैं, मतलब इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ी सी चार्जिंग है, तो मैं अभी इसे साइड में रखता हूँ और देखता हूँ बॉक्स के अंदर और क्या हमें देखने मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं देखने मिलता है, बस इतना ही देखने मिलता है। तो इस बॉक्स को भी हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये बॉट और ये चार्जिंग केबल, दैट्स इट। तो दोस्तों अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आपको बताता हूँ कि कैसे ये चार्जिंग पे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे चार्जर से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं इसे पावर स्विच में प्लग इन करता हूँ, और फिर हम इसे पावर ऑन करके इसमें प्लग इन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक LED ब्लिंक हो रही है, जो है ग्रीन कलर की LED,
मतलब ये चार्जिंग पे लग चुका है। तो चार्जिंग फुल होने पे शायद, मुझे नहीं पता, शायद ग्रीन कलर की एलईडी यहाँ पे ब्लिंक होती हो या फिर कांस्टेंट रहती हो। तो ये लग चुका है अभी चार्जिंग पे और अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे प्रॉपर्ली चार्ज किया है और अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। बट दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे एक सर्कुलर क्लॉक था जो मैंने आपको बताया था, इसे आपको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको ये व्हील्स दिखेंगे। तो इस व्हील की हेल्प से ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डस्ट जो है स्प्रेड की है और इसकी हेल्प से मैं देखूँगा कि ये प्रॉपरली क्लीन करता है या नहीं। तो गाइज़ अभी मैं इसे नीचे रखता हूँ इस डस्ट के बीच में और अभी मैं इसे पावर ऑन करके चेक करता हूँ कि आ ये प्रॉपरली क्लीन करता है या नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इसे पावर ऑन का बटन प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हो ये मूव होना स्टार्ट हो चुका है और पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, मेरे बेड की तरफ जा रहा है। तो ओके, तो ये वापस रिटर्न आ चुका है और अभी ये डस्ट की तरफ मूव कर रहा है और आप देख सकते हो जहाँ से ये परफेक्टली मूव हुआ है वहाँ पे ये डस्ट प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हो कितना एफिशिएंटली ये क्लीन कर रहा है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो इसने काफ़ी हद तक पूरी जो डस्ट है क्लीन कर दी है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी हद तक पूरी डस्ट यहाँ पे उसने क्लीन कर दी है। तो गाइस काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, यार इसमें मोशन सेंसर नहीं है तो ये कैसे काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं पैर रखता हूँ बीच में और अगर आके ये मुझे यहाँ पे क्रैश डाउन होता है, तो जैसे आप देख सकते हो, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रैश हो चुका है और वापस ये रिटर्न आ चुका है। तो दोस्तों इसमें सेंसर तो कोई नहीं, बट जैसे ये क्रैश होता है ये वापस टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वार्डरोब को ये टच होगा और वापस ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये कंटिन्यूस अपना एंगल चेंज करेगा, तो यहाँ पे मेरे पैर के पास अगर वो टच होता है तभी वो जाके पीछे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो वायर को भी ये टच करके वापस चला जा रहा है। तो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी एफिशिएंटली ये सारी जो डस्ट है वो क्लीन कर लेता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसने काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग कर दी है। तो अभी टाइम है इसका फिल्टर रिमूव करके चेक करने में कि क्या इसने वाकई वो डस्ट कलेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे मैं इसका फ़िल्टर रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो आउटलेट है वो आप देख सकते हो पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे आराम से ओपन अप करता हूँ और इसका जो फ़िल्टर है वो रिमूव करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी सारे हेयर्स है, डस्ट है, वो पूरी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये बोर्ड तो अभी मैं रेगुलर रूम क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगा। इसने इतनी बढ़िया क्लीनिंग कर दी है कि जहाँ पे मैंने डस्ट डाला वो तो इसने क्लीन कर दी, प्लस बाकी बाजू में जहाँ पे हेयर्स या फिर बाकी जो डस्ट थी वो भी इसने प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर दी है। तो अभी मैं इस फिल्टर को क्लीन करता हूँ और वापस इसमें इंसर्ट करता हूँ। तो दोस्तों अभी इस फिल्टर को मैंने प्रॉपरली क्लीन कर दिया है और वापस मैं इसके अंदर इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट ही चला था और इसके बीच में भी इसने इतनी बढ़िया क्लीनिंग कर दी है। तो दोस्तों आप सोचो कि अगर आप इसे 15 से 20 मिनट या फिर हाफ एन आवर भी अगर आपके रूम में छोड़ देते हो तो आपकी रूम ये कम्प्लीटली क्लीन कर देगा। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसका अनबॉक्सिंग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग गैजेट है और मैंने इसे बाय किया था बहुत ही कम और बहुत ही चीप प्राइस में, जो है 1750 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1750 रुपये की प्राइस में मैंने इसे बाय किया था Banggood.com से। दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम प्राइस रेंज में इतना बढ़िया ये वर्क करेगा और बहुत ही लाइट वेट है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लाइट वेट होगा, क्योंकि बाकी सारे जो मैंने वैक्यूम क्लीनर्स देखे या फिर जो क्लीनर्स देखे, रोबोटिक क्लीनर्स, वो काफ़ी हाई प्राइस रेंज पे थे और काफ़ी हैवी थे। मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था तभी। तो दोस्तों जितने भी गैजेट्स मेरे पास हैं उसमें से ये मेरा और एक फेवरेट अमेजिंग गैजेट है और वो भी इतने कम प्राइस रेंज में। तो दोस्तों अगर किसी को ये बाय करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसे बाय कर सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही यूनिक टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।